मॉर्निंग डियर फ्रेंड, आज आप लोगों के रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा की दूसरी क्लास है। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट, हम लोग सोडी समूह विस्थापन का नियम, अर्ध आयु काल, इसके अलावा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में और इनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन के बारे में सीखने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको डियर स्टूडेंट रेडियो एक्टिविटी तथा उनसे निकलने वाले अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में और रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत बिल्कुल अच्छी तरीके से एक क्लास के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया था। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडी अथवा समूह विस्थापन का नियम, अर्ध आयु काल क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है और इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सारी चीजों के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा, क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक के थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी बताने वाला हूँ, जिससे आपको सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डियर स्टूडेंट कि सोडी अथवा समूह विस्थापन का नियम होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इस नियम के अनुसार यानी कि सोडी अथवा समूह विस्थापन के नियम के अनुसार, जब किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण निकलता है तो जो आपका प्राप्त नया परमाणु होता है डियर स्टूडेंट, आवर्त सारणी में दो स्थान जो है मूल स्थान से बाई तरफ चला आता है। कब? जब किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण निकलता है तो जो आपका प्राप्त नया परमाणु होता है आवर्त सारणी में मूल परमाणु से दो स्थान बाई की तरफ चला आता है। लेकिन जब एक बीटा कण निकलता है ना, तो जो आपका रेडियो एक्टिव परमाणु होता है आवर्त सारणी में मूल परमाणु से एक स्थान दाएं की तरफ चला आता है। तो देखो, बाएं और दाएं का खेल ही है। जैसे अगर एक अल्फा कण निकलता है तो रेडियो एक्टिव जो परमाणु होता है ना आवर्त सारणी में, मूल स्थान से दो स्थान बाई तरफ चला जाता है। यानी कि यदि पांचवें आवर्त में है तो एक अल्फा कण निकलने पर यह तीसरे आवर्त में आ जाएगा, क्योंकि दो स्थान अपने से बाई तरफ खिसक रहा है। कब? जब एक अल्फा कण निकल रहा है तो। और उसी प्रकार से यदि सिक्स आवर्त में है तो दो स्थान बाई की तरफ खिसकेगा तो आपका चौथे आवर्त में आ जाएगा। यही सोडी अथवा समूह विस्थापन का नियम कहता है कि जब किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फा कण निकलता है तो जो आपका प्राप्त नया परमाणु होता है आवर्त सारणी में मूल परमाणु से दो स्थान बाई की तरफ खिसक जाता है। मूल परमाणु से दो स्थान बाई की तरफ खिसक जाता है। उसी प्रकार से जब किसी भी रेडियो एक्टिव परमाणु से यदि एक बीटा कण निकलता है तो जो आपका प्राप्त नया वाला परमाणु होता है ना आवर्त सारणी में मूल परमाणु से एक स्थान दाएं की तरफ खिसक जाता है। यानी कि यदि चौथे आवर्त में है तो एक बीटा कण निकलता है तो पांचवे आवर्त में चला जाएगा, यदि तीसरे आवर्त में है एक बीटा कण निकलता है तो ये आपका चौथे आवर्त में चला जाएगा। यानी कि अल्फा कण निकलने पर आवर्त सारणी में दो स्थान बाएं की तरफ खिसकेगा और
एक बीटा कण निकलने पर आवर्त सारणी में एक स्थान दाएं की तरफ खिसकेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस पर हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सोडियम अथवा समूह विस्थापन के नियम किस पे आधारित होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 84 पोलोनियम 214 इससे यदि एक अल्फा कण निकलता है तो सबसे पहले जो आपका 84 पोलोनियम 214 है ये किस आवर्त में है ये पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ये आपका छठवीं आवर्त में है। किस में है? ये आपका छठवीं आवर्त में है। जब इससे डियर स्टूडेंट एक अल्फा कण निकलता है तो एक अल्फा कण निकलने में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो जो आपका नया तत्व बनेगा 82 लेड 210 हो जाएगा, क्योंकि एक अल्फा कण निकल रहा है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और एक आपका हीलियम का नाभिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यदि आपका छठवें आवर्त में तत्व था लेकिन एक अल्फा कण निकलेगा तो होगा क्या, जो आपका मूल परमाणु है आवर्त सारणी में 2 स्थान बाई की तरफ खिसक जाएगा, यानी छठवें आवर्त से एक चौथे आवर्त में चला जाएगा। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक अल्फा कण निकलने पर आवर्त सारणी में 2 स्थान बाई की तरफ खिसक जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, बीटा कण निकलने पर क्या होता है। तो इसका जो एग्जांपल है, जैसे एक इसका एग्जांपल है कि जैसे आपको दे दिया है 80 लेड 209, यानी कि 82 लेड 209 है ना, 82 लेड है ना। तो इसका जब हम एक बीटा कण निकालते हैं तो एक बीटा कण निकलने पर आपका क्या होगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी। एक बीटा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा 83 बिस्मथ 209 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जब एक बीटा कण निकलता है तो जो आपका नया परमाणु होता है आवर्त सारणी में मूल परमाणु से एक स्थान दाएं की तरफ खिसक जाता है, एक स्थान दाएं की तरफ खिसक जाता है। तो यदि यह चौथे समूह में होगा, यदि यह चौथे समूह में होगा तो एक स्थान दाएं की तरफ खिसकेगा तो यह आपका पांचवें समूह में चला जाएगा, यह आपका पांचवें समूह में चला जाएगा। इसको आप समूह कर लीजिए, ठीक है, ये आपका समूह कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। यानी कि छठवें समूह में होगा तो एक अल्फा कण निकलने पर ये आपका चौथे समूह में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक बीटा कण निकलता है तो आपका 0 नंबर करके निकल जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम अथवा समूह विस्थापन का नियम क्या कहता है, ठीक। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट की अर्ध आयु काल होता क्या है। जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, अर्ध आयु काल यानी कि किसी भी चीज की आधी मात्रा। तो अर्ध आयु काल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के आधी मात्रा के विघटित होने में जो समय लगता है उसको हम अर्ध आयु काल। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के आधी मात्रा के विघटित होने में जितना समय लगता है उसको हम अर्ध आयु काल कहते हैं। लिख सकते हो डेफिनेशन कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के आधी मात्रा के विघटित होने में जितना समय लगता है उसको हम अर्ध आयु काल कहते हैं। अर्ध आयु काल को डियर स्टूडेंट अर्ध आयु काल को डियर स्टूडेंट हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्ध आयु काल को हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखो बेसिकली जो आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वे आपसे न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं, यानी कि यदि अर्ध आयुकाल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल 100% आना है, चाहे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम। तो बेसिकली इसमें दो फार्मूले ध्यान में रखना है। पहला आपका होता है एन बराबर एन जीरो 1/2 n, ठीक है, जिसमें जो आपका n होता है डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, n जो आपका होता है शेष बची मात्रा होता है, शेष बची मात्रा n होता है, और जो n जीरो आपका होता है ये आपका प्रारंभिक मात्रा होती है। क्या होती है? प्रारंभिक मात्रा जो होता है वो आपका n जीरो होता है। इस्माल जो यह होता है अर्ध आयु कालों की संख्या होती है, अर्ध आयु कालों की संख्या होती है, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है, ठीक। और दूसरा जो आपको फार्मूला ध्यान में रखना है टी बराबर एन टी हाफ, एन तो बताया अर्ध आयु कालों की संख्या, टी हाफ तो बता दिया जो कि अर्ध आयु काल है, जो आपका टी होता है ये आपका कुल समय होता है। तो इसी सिंगल से दो फार्मूले के माध्यम से अर्ध आयु काल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, इस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखना। जैसे पहला न्यूमेरिकल हम इस पे लेते हैं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपका अर्ध आयुकाल होता है ना, किसी भी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी तत्व का जो अर्ध आयु होता है ना, वो किसी भी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्ध आयुकाल निर्भर नहीं करता है, तो किसी भी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर अर्ध आयुकाल निर्भर नहीं करता। न्यूमेरिकल पर आ जाना डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एक दो देख लेते हैं, ध्यान से देखना। पहला न्यूमेरिकल आपका है यदि रेडियम 160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है तब उसकी अर्ध आयु बताइए। बोला है कि यदि रेडियम 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है तो उसकी अर्ध आयु बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का कैसे हम सारांशन करेंगे, यहाँ पर 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, यानी कि जो कैपिटल टी की वैल्यू दे रखा है 3160 वर्ष दे रखा है, ठीक है। उसके बाद से अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है तो एन जीरो क्या है, एन जीरो जो आपका है प्रारंभिक मात्रा है, और जो एन आपका होता है शेष मात्रा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, यानी कि जो शेष बची मात्रा है प्रारंभिक मात्रा का चौथा भाग बचता है। यहां तक आपको क्लियर है, अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, यानी इससे बची जो मात्रा n की वैल्यू है n 0/4 ही होगा, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा का 1/4 है। अब आपको सिंगल सा फार्मूला बचा है कि n बराबर आपका n 0 1/2 n होता है, जो स्मॉल n है अर्ध आयु कालों की संख्या है, तो n की वैल्यू कितना है n 0/4 बराबर n 0 1/2 n, n 0 से n 0 बाबू कैंसिल होगा तो यहां से मिलेगा 1/4। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 बराबर 1/2 n आपका हो जाएगा। अब देखो दोनों के आधार समान हो, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आधार वाली वैल्यू समान है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो n की वैल्यू जो मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगा 2, यानी कि अर्ध आयु कालों की संख्या आपको मिल जाएगा 2। अब आप आसानी से t हाफ की वैल्यू निकाल सकते हो, तो
तो क्या फार्मूला पता है आपको? पता है टी बराबर एन टी हाफ। टी बराबर क्या होता है? एन टी हाफ होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो टी की वैल्यू है वो आपका है 3160, एन की वैल्यू है 2 और टी हाफ की वैल्यू आपको निकालना है। 2 से काटो तो आपका कितना होगा? 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 0 यानी 1580 वर्ष आएगा। यानी कि जो टी हाफ की वैल्यू होगी वो आपका 1580 वर्ष हो जाएगा। यानी कि अर्ध आयु काल जो होगा वो आपका 1580 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 1580 वर्ष हो जाएगा अर्ध आयु काल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो फार्मूले ध्यान में रखना, n बराबर n 0 1/2 n, दूसरा कैपिटल T बराबर स्मॉल n t हाफ। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और देख लेना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल और आसान वे में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और किसी भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डियर स्टूडेंट इस प्रकार से है, बोला है एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है। ठीक है, इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर के 125 मिलीग्राम रह जाएगा, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है। देखो बोला है एक रेडियोएक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है, यानी कि जो टी हाफ की वैल्यू दे रखा है, जो आपको टी हाफ की वैल्यू दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है 44 दिन। टी हाफ की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 44 दिन। फिर आगे बोला है कि इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिनों में कम होकर के 144 मिलीग्राम रह जाएगा। कितने दिनों में कम होकर के 125 मिलीग्राम रह जाएगा, यानी कि जो शेष बची मात्रा है वो 125 मिलीग्राम है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि कितने दिनों में कम होकर के 125 मिलीग्राम रह जाएगा। यानी जो एन जीरो की वैल्यू आपको दे रखा है, सॉरी एन की जो वैल्यू दे रखा है वो 125 मिलीग्राम है, मिलीग्राम है। ठीक है, और एन की एन जीरो की वैल्यू कितना है? एन जीरो की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो आपका 1 ग्राम है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में कम होकर के 125 मिलीग्राम रह जाएगा, यानी शेष बची मात्रा जो है 125 मिलीग्राम दे रखा है इन्होंने और प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम। 1 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा 1000 मिलीग्राम, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है? इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल टी की वैल्यू बताना है, यानी कि कुल समय का मान बताना है। तो आपको सिंपल सा फार्मूला पता है कि एन बराबर आपका होता है एन जीरो 1/2 स्मॉल एन। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपका 125 है बराबर एन जीरो की वैल्यू आपका 1000 है, 1/2 आपका एन है। ठीक है, तो 125 से आप काटोगे तो ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा आपको 1/8 बराबर 1/2 n। ठीक है, 1/8 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 3 बराबर आपका हो जाएगा 1/2 n। ठीक है, दोनों जगह आधार समान हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको स्मॉल n की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगा 3। स्मॉल n की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपका 3, क्योंकि आधार समान है तो हम धातु की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि कैपिटल T बराबर n T हाफ होता है। कैपिटल टी की वैल्यू निकालो, स्मॉल एन की वैल्यू 3 है, टी हाफ की वैल्यू आपने देखा है 44 दिन है, तो 44 दिया कितना होगा? 132 डे, यानी कि कुल समय जो होगा 132 दिन निकल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर जो होगा 132 डे होगा।
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से आप अर्धआयुकाल से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसका नाम है विघटन स्थिरांक। इस पर भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाएगा विघटन स्थिरांक पर। आप ध्यान से देखना कि विघटन स्थिरांक होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा विघटन स्थिरांक के बारे में। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उससे पहले आप समझिएगा डियर स्टूडेंट कि आपका माध्य और औसत जीवन काल क्या होता है। तो जो आपका औसत जीवन काल होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका विघटन स्थिरांक का उल्टा होता है। जो आपका औसत जीवन काल होता है ना, वो विघटन स्थिरांक का अपोजिट होता है। यानी कि यदि आपका औसत जीवन काल लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो विघटन स्थिरांक की अपोजिट होती है, यानी कि 1/k के बराबर होती है। ठीक है, जो आपका औसत जीवन काल होता है विघटन स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ध्यान में रखो, जो आपका औसत जीवन काल होता है विघटन स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो आपका ए आपका विघटन स्थिरांक है, इसको आप लिख लो विघटन स्थिरांक। ठीक है, और लैम्डा आपका क्या है, लैम्डा आपका क्या है औसत जीवन काल, औसत जीवन काल। ठीक, अब जो विघटन स्थिरांक के की वैल्यू होती है वो आपका होता है 0.693 बटे का टी हा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं नंबर सही वाला है। ठीक है, ठीक है, जो आपका विघटन स्थिरांक होता है के की वैल्यू वो आपका 0.693 बटे टी हा होता है। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 1.44 इनटू का टी हाफ मिलेगा। ठीक है, 1.44 इनटू का टी हाफ मिलेगा। कब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो सॉरी यार, यहां तक क्लियर है। अब देखो विघटन स्थिरांक के की वैल्यू इसमें रखोगे तो लैम्डा बराबर आपको क्या मिलेगा, लैम्डा बराबर 1/0.693 बटे का टी हाफ मिलेगा। ठीक है, अब टी हाफ तो आपका ऊपर जाएगा ही, अब एक में भाग दोगे 693 से 1.44 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका औसत जीवन काल जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर होगी, 1.44 इनटू का टी हाफ के बराबर हो जाएगी। इस फार्मूले को भी ध्यान में रखिएगा और इसको भी ध्यान में रखिएगा, दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विघटन स्थिरांक से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आपका औसत जीवन काल होता है वो आपका इस तरीके से 1.44 गुणे टी हाफ से, दोनों से ही बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट की नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब किसी भारी तत्व के परमाणु का नाभिक, जब कभी भी भारी तत्व के परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है ना, तो उस समय भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब किसी भी भारी तत्व के परमाणु का नाभिक टूटता है, जब किसी भी भारी तत्व के परमाणु का नाभिक टूटता है दो या दो से अधिक भागों में, तब किसी भारी तत्व के परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ये बात आपको क्लियर है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, कि भारी तत्व का नाभिक टूटेगा दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में, तो इस कंडीशन में भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय। नेक्स्ट बात आती है कि डियर स्टूडेंट की नाभिकीय विखंडन क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय विखंडन में होता क्या है, कोई आपका जो भारी नाभिक होता है, कोई आपका भारी जो नाभिक होता है टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। सिंपल सा कांसेप्ट,
नाभिकीय विखंडन यानी कि नाभिक का विखंडन हो जाना, नाभिक का टूट जाना। तो जब कभी भी एक आपका भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन का जो एग्जाम्पल है वो आपका परमाणु बम होता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है, एक आपका ऑप्शन में रहेगा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और सारी चीजें दी रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन आपको समझ में आ गया होगा कि एक आपका जो भारी नाभिक होता है दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। उसी प्रकार से हम बात करें नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो नाभिकीय जो संलयन होता है नाभिकीय विखंडन का जस्ट उल्टा होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक आपस में संयोग करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक आपस में संयोग करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन का ही एग्जाम्पल है। जो आपका हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन का ही एग्जाम्पल। तो यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट सारी चीजों को डिस्कस करने का प्रयास किया है। फिर भी ऐसा यदि आपको लगता है कहीं से भी किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई सा भी टॉपिक हमसे छूट गया हो, वैसे तो मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे टॉपिक को कवर किया है, फिर भी यदि कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट या कोई कंफ्यूजन हो या कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।